संगीत के संदर्भ में कुछ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि क्वालिफिकेशन कोई चीज होती है कि नहीं होती है किसी भी फील्ड में? ये म्यूजिक की बात नहीं है। अगर आप 100 रुपए की भी दवा लेते हैं तो आप इस बात पर सबसे पहले गौर करते हैं कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, किस डॉक्टर के पास हम जाएंगे। हम उसी डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो वेल क्वालिफाइड हो, 100 रुपए की दवा लेंगे तब भी। पर हम म्यूजिक का इवेंट करवाते हैं, हमारे घर म्यूजिक का शो होता है, प्रोग्राम होता है, तो हम 1 लाख खर्च करने के बाद में भी ये नहीं सोचते हैं कि जिस म्यूजिक टीम को हम अपने घर इनवाइट कर रहे हैं उनमें लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, आर्टिस्ट हैं भी कि नहीं है। 1 लाख रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं और ये भी ना पता करें कि क्वालिफिकेशन उनकी क्या है जो उनकी टीम आ रही है। पता है तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। और पता ही ना हो, आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और आपके घर कौन प्रोग्राम करने और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उस फील्ड में आपको पता ही ना हो, तो ये तो गलत है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप म्यूजिक में क्वालिफाइड लोगों को बुलाएं। देखिए, उससे फायदा क्या होगा? अगर आप बस वैसे लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने संगीत को मजाक बना के रखा है, ठीक है, जिनको बस केवल पैसे कमा के चल देना है, ठीक है, वैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं, तो उनको आप जो पहला प्रोग्राम देंगे उसका लेबल चेक कर लीजिएगा और जो उनको आप 100वां प्रोग्राम देंगे उसका भी लेबल चेक कर लीजिएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और ऊपर से कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो डिफरेंस उनके पहले और 100वें प्रोग्राम में कहां से क्रिएट होगा? और आपको सुकून कहां से मिलेगी जिसको आप सुनने और देखने के लिए अपने घर बुलाते हैं उन लोगों को? पर वहीं आप वेल क्वालिफाइड जो संगीत की इज्जत करते हैं, जो सीखने की चाह रखते हैं म्यूजिक में, ठीक है, उनको आप बुलाएंगे, उनको पहला प्रोग्राम देंगे उनका जैसा भी हो, लेकिन 100वां प्रोग्राम जब देंगे तो काफ़ी फर्क मिलेगा, काफ़ी रूपांतरण उनमें मिलेगा। और यही तो चाहिए कि कुछ रूपांतरण हो समाज में, उनके अंदर कुछ रूपांतरण हो, तभी तो समाज को कुछ दे पाएंगे, तभी वो तो म्यूजिक को कुछ दे पाएंगे और तभी वो आपके घर आकर आपको भी कुछ दे पाएंगे।